हेलो फ्रेंड्स, चिलचिलाती गर्मी और धूप में मैं आई हूँ आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाने। और इस बार इतनी गर्मी है कि सारे प्लांट्स बेहाल है। या हालांकि सुबह पानी दिया है और देखिए नमी भी है इसमें, पर फिर भी प्लांट्स बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं। और अब अभी 11 बजे हैं और दोपहर 2-3 बजे तक ये बिल्कुल ही सूखने के कगार पर आ जाते हैं, पर फिर पानी देकर फिर हरे हो जाते हैं थोड़े से। पर इस बार इतनी भयंकर गर्मी है दिल्ली और उसके आसपास कि प्लांट्स बस बचाना उनको मुश्किल है। किसी तरह से बरसात आ जाए और हमारे प्लांट्स बच जाएं, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आजकल इनको पानी देना ही एक बहुत बड़ा काम है। नहीं तो ये इस तरह के प्लांट्स और यहाँ तक कि चंपा वगैरह भी अच्छे गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं, तो इस बार उनकी भी हालत ख़राब है। और सदाबहार जो कि हमेशा ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और चाहे गर्मी हो या सर्दियाँ, बना ही रहता है अच्छा। और देखिए इस बार इसके फ्लावर भी बिल्कुल, ये देखिए बर्ड्स गर्मी की वजह से खुल भी नहीं पा रही हैं, फूल बन भी नहीं पा रहा है। और जो फूल खिले भी हैं उनके रंग भी अजीब से, जो उनके आते हैं उस तरह के नहीं हैं। पर फिर भी प्लांट्स कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। और कुछ पत्तियों वाले पौधे हैं वो तो बहुत ही उनकी स्थिति ख़राब है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स और लोग गार्डनिंग भी करते हैं, वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं कि गर्मी है, तो मैं अपना गार्डन दिखा के यही दिखाना चाहती हूँ कि आप घबराए ना। और जो भी प्लांट्स बचे हमारे, फिर हम बरसात आएगी तो उन्हें फिर बना लेंगे। पर इस गर्मी में सिर्फ अपने आप को ठीक रखना भी बहुत बड़ा काम है, ताकि हम इनको ठीक से पानी दे पाएँ। क्योंकि बहुत देर में अगर हम इनको पानी दे भी रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल मुरझा रहे हैं। वैसे 2 बार इनको पानी दे रही हूँ मैं, और मैंने काफ़ी इस तरह के कुछ जुगाड़ भी किए हैं कि छाया मैं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास मैंने ग्रीन लाइट वगैरह नहीं लगाया है और पूरे दिन की इसमें धूप रहती है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं प्लांट्स, पर कुछ प्लांट्स बहुत ही ख़राब स्थिति में है और धूप भी आ गई है। तो ये कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा हो रहा था, पर फिर भी पत्तियाँ तो ये दे ही रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है और ये प्लांट थोड़ा सा, इसमें पानी ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बरसात आएगी तभी ठीक कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ठीक ही चल रहे हैं, ये येलो बेल फ्लावरिंग तो नहीं कर रहा है, हाँ पत्तियाँ ज़रूर बढ़ रही हैं। और देखिए चंपा के प्लांट की पत्तियाँ भी काफ़ी जल गई हैं धूप से। और ये इतना बड़ा अनार का प्लांट है और इसमें भी गर्मी का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो ज़मीन से पानी ले रहा है, फिर भी ये भी गर्मी से काफ़ी ख़राब स्थिति में है। पर पूरी कोशिश में है प्लांट नई अपनी ग्रोथ करने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, यूफोरबिया मिली का भी बुरा हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने के बाद भी थोड़ी सी नमी ज़्यादा हो जाती है तो उमस वगैरह की वजह से भी प्लांट ख़राब हो रहे हैं। और साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और बोगनवेलिया खिला है और देखिए इसके फूल भी गर्मी से काफ़ी सिकुड़ से गए हैं, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं फ्लावरिंग के लिए। और इस तरह से बिल्कुल दोपहर है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा तो इस टेरेस को दिखाया जाए। और थोड़े से कुछ मेरे प्लांट्स यहाँ भी हैं और मोस रोज भी कोशिश कर रहे हैं खिलने की, पर बहुत गर्मी से ये ज़्यादा खिल नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ मैंने सटा सटा के सारे प्लांट्स रखे हैं और इनके ऊपर कोई छाया वगैरह भी कर रही हूँ तो वो भी हवा तेज हवाओं से उड़ जाता है, तो बार बार इस गर्मी में देखना भी प्लांट्स को बहुत मुश्किल है। और आम की जो नई ग्रोथ भी हो रही है वो भी जल रही है। और तुलसी फ्रेंड्स ठीक चल रही है और तुलसी के काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स भी उग गए हैं। इस टाइम आप भी तुलसी उगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को हो सके तो आपके कोई छाया प्रोवाइड कर सकें तो करें, क्योंकि मेरे पास तो ये बहुत सारे प्लांट हैं, मैं इनको नीचे भी नहीं ले जा सकती। मेरे पास नीचे भी बहुत सारे प्लांट हैं और
लाना ले जाना ऊपर नीचे करना भी बहुत मेहनत का काम है, तो इस टाइम ये इस तरह का काम मैं नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स है तो बहुत ही स्थिति में ख़राब हमारे प्लांट्स, पर क्या कर सकते हैं, गर्मी पर हम क्या कर सकते हैं, पर हाँ हम कुछ अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम कर सकते हैं। बड़े बड़े पौधे लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, जिससे कि थोड़ा सा मौसम ठीक रहे। और दिल्ली और उसके आसपास तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम, अपने आप को गर्मी से लू से बचाना भी एक बहुत बड़ा काम है। पर फिर भी थोड़े से प्लांट बने हुए हैं, तो फ्रेंड्स इस टाइम अगर आपके प्लांट्स भी बहुत झुलस रहे हैं तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, इस तरह की स्थिति स्वाभाविक है। और पानी देते रहें और थोड़े दिनों में बारिश आ जाएगी तो प्लांट्स फिर से शायद थोड़े ठीक हो जाएंगे और फिर से हमारी बगिया थोड़ी हरी भरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स करते रहिए देखभाल अपने गार्डन की, और इस तरह से अगर इस टाइम आम खा रहे होंगे तो गुठलियाँ होंगी तो उन्हें भी उगा दीजिए, आम के प्लांट्स बन जाएंगे। किसी तरह के बीज हो आपके पास तो उन्हें आप मिट्टी में उगाइए, इस टाइम पर उग सकते हैं। और थोड़े दिनों में जुलाई वगैरह में थोड़ा सा बारिश वगैरह हो जाएगी तो फिर से गार्डनिंग में मन लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।